अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ ज़बरदस्ती दाल फ्राई, वो भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल जैसे पंजाबी लोग बनाते हैं ना, बिल्कुल वही स्टाइल में ये दाल फ्राई बनेगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी एक ट्विस्ट के साथ इसे हम बनाएंगे। तो उसके लिए पहले मैंने यहाँ पर लिए, देखिए 150 ग्राम ये तुअर की दाल है, इसे अरहर की दाल भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप ले लें, आप चाहें तो इसमें एक दो दाल और भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये मैंने सिर्फ तुअर की दाल ली है, तो इसे 2-3 बार अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, पानी से पहले अच्छी तरह से धो लेंगे, क्योंकि दाल के ऊपर जो पाउडर लगे होते हैं ना, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इसे एक कुकर में डाल देंगे, फिर इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 1 हरी मिर्च ऐड करेंगे, और 1 यहाँ पर तेज़पत्ता लेंगे, और 1 बड़ी इलायची डालेंगे, बस इतना काफ़ी है। अब इसमें 2 कप पानी डालेंगे, क्योंकि ये दाल को हमें गलाना है अच्छी तरह से। तो पानी डालने के बाद इसे कवर करेंगे, एक बार चला लें ताकि दाल अच्छी तरह से सारी चीज़ों में मिल जाए। तो इसे कवर करेंगे और हाई फ्लेम पे सिर्फ 3 सीटी आने तक इसे हम पकाएंगे, सिर्फ 3 सीटी आने तक। अगर आपका कुकर ज़्यादा टाइम लेता है तो आप 1 सीटी एक्स्ट्रा लगा लें। तो यहाँ पे देखिए ये 3 सीटी आ चुकी है, मैंने गैस फ्लेम ऑफ़ कर दी थी, इसका गैस खुद रिमूव होने तक वेट किया। अब इसका जो हमने मसाले डाले थे ना, वो निकाल लेंगे। और देखिए जी, ये दाल हमारा परफेक्टली कुक हुआ है, परफेक्टली जितना चाहिए उतना। इसे एक बार अच्छी तरह से इस तरह से मैश करते हुए चला लेंगे। इसमें अभी आपको पानी की ज़्यादा क्वांटिटी लग रही है, लेकिन जब इसका हम मसाला तैयार करेंगे ना, तो ये पानी परफेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक पैन लेंगे, आप कोई सा भी पैन या कढ़ाई में ये मसाला तैयार कर सकते हैं। तो 1 बड़े चम्मच के करीब मैंने कुकिंग ऑयल ली है, 1 छोटी चम्मच खड़ा जीरा ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच हींग ऐड करेंगे। हींग ज़रूर ऐड करें, इसे डाइजेशन में बहुत ही आसानी होती है। और यहाँ पे 1 बड़े चम्मच के करीब कुटा हुआ लहसुन लेंगे, यानी कि क्रश किया हुआ, कूचा हुआ, और फिर इसे एक बार मिला लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक कटे हुए। तो इन दोनों चीज़ों को हमें हल्का सा लाइट कलर होने तक भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, बस इतना कि ये सॉफ्ट हो जाए। फिर इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच क्रश किया हुआ अदरक, इसे भी मिक्स कर लेंगे। गैस फ्लेम मीडियम ही रखें, मीडियम फ्लेम पे ही ये सारे मसाले हम भूनेंगे। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, और यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच से भी कम काली मिर्च पाउडर डालेंगे। इन सारे मसालों को हमें मिक्स करना है, 1 मिनट के लिए भून लेना है। 1 मिनट भूनने के बाद यहाँ पे ऐड करें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, बिल्कुल पके हुए हमें डालने हैं, इसे भी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक, नमक हमने दाल में भी ऐड की थी, तो नमक थोड़ा ध्यान से ऐड करें, जितना आपको लगे उतना। अभी पहले हम कम ही डालेंगे, जब बाद में हमें लगेगा कि कम है फिर से ऐड करेंगे। तो यहाँ इसे मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर रही हूँ ये थोड़े से पालक बारीक कटे हुए, ये दाल को बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी बनाएगा। तो यहाँ अगर पालक हो तो आप डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। ये मेरे पास फ्रिज में मौजूद थे तो मैंने इसे डाला है। अब इसे कवर कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे, और बीच में 1-2 बार चलाएँगे। तो देखिए जी, ये 4 मिनट हो चुके हैं इन मसालों को पकते हुए, और बीच में मैंने खोल कर इसे चलाया था, तो ये मसाले जो है ना हमारा, जो ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है। तो अब इस पॉइंट पे हमने जो दाल उबाल कर रखी थी वो ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए जी, ये कलर कितना परफेक्ट आया है, बहुत ही ज़बरदस्त ये दाल बनती है। एक बार इसे आप बनाकर खिलाएंगे, यकीन करें आपके फैमिली वाले इसे बार बार बनाने की डिमांड करेंगे। और यहाँ पर देखिए, मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच गर्म मसाला पाउडर, इसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हाई फ्लेम पर 1 उबाल आने देंगे। जब उबाल आ जाएगी तो गैस फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पकने देंगे, बस 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पे इसे मैंने लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पकाया है, तो ये दाल हमारा रेडी हो गया है। अब इसे साइड करेंगे और इसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पे एक तड़का पैन लेंगे, गैस फ्लेम को धीमी करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे 1 चम्मच घी। ये पंजाबी स्टाइल बन रही है दाल, तो घी तो बनता है। तो यहाँ पे 1 छोटी चम्मच खड़ा जीरा ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच हींग ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा इसे चटकने देंगे, गैस फ्लेम को ऑफ करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, ये ज़रूर डालें, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिल्कुल पंजाबियों वाला फ्लेवर आपको मिलेगा।
तो यहाँ पे दाल में हम इसे तड़का लगाएंगे और फौरन से ढक्कन को बंद करेंगे ताकि जो तड़का का फ्लेवर है दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो सके। तो इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद ये हमारा दाल फ्राई रेडी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, बहुत ही यमी है। आप इस तरह से बनाएं, बच्चे भी इसे बहुत पसंद से खाएंगे और फैमिली वाले आपके इसे बार बार बनाने की डिमांड करेंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और धनिया पत्ती ऐड की है, ये ऑप्शनल है, आप चाहते हैं स्किप कर सकते हैं। और थोड़े से अदरक के जूलियन मैंने ऐड की है, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो बहुत ही डिलीशियस ये हमारा दाल फ्राई रेडी है। आप इसे रोटी, नान, चावल के साथ, किसी के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हो, पूरी हो चाहे भटूरे हो। तो लीजिए, ये हमारा झटपट सा हेल्दी दाल तैयार है। आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।